लालची हलवाई। एक छोटे से गांव में राधा राम नामी एक हलवाई की दुकान रहती थी। राधा राम को पैसे कमाने का बहुत लालच था। उस गांव में भी वो एक ही हलवाई की दुकान थी, जिसमें राधा राम बहुत सारी मिठाइयाँ और घी भी बेचा करता था, जिससे सारे गांव के लोग उसी के पास मिठाइयाँ खरीदते थे। कोई और मिठाई की दुकान ना रहने की वजह से राधा राम को बहुत अच्छा लाभ भी मिला करता था। राधा राम चाचा जी, मुझे एक किलो जलेबियाँ दीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हमने जलेबियाँ बनाई है, रुको मैं अभी लाता हूँ। राधा राम ने उस लड़के को वहीं रुकने को कहा और अंदर जाकर एक नौकर से कहने लगा, हमने दो दिन पहले जो जलेबियाँ बनाई थी उसको लेकर आओ। सेठ जी, वो जलेबियाँ उतनी अच्छी नहीं है, बहुत नर्म हो चुकी है और शायद खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं होंगी। मुझसे जबान लड़ाने के बजाय जो मैंने कहा वो चुपचाप करो। उन जलेबियों को गरम गरम चाशनी में डालो और फिर निकाल दो, फिर वो ताजी बन जाएंगी, लाकर उस लड़के को दे दो। नौकर बेचारा मजबूर था, फिर उसने वही किया जो उससे करने को उसके मालिक ने कहा था। ये लो बेटा जलेबी जो तुमने मांगी थी, तुम बहुत खुश नसीब हो, अभी अभी हमने गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई थी, मजेदार जलेबियाँ ले जाओ। ठीक है चाचा जी, मुझे और मेरे भाई को जलेबियाँ बहुत पसंद है, इसके ठंडे होने से पहले ही मैं घर ले जाता हूँ। चलता हूँ चाचा। नमस्ते राधा राम जी, आपसे कुछ काम पड़ गया। कल हमारे मालिक के बेटे का जन्मदिन है, बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। पकवान के लिए घी चाहिए था, मालिक ने कहा था कि आपके पास ही से घी खरीदा जाए। 40 किलो घी आज शाम तक के लिए क्या आप तैयार करवा सकते हैं? कमाल की बात करते हो, क्यों नहीं, जरूर भिजवाऊंगा। आज शाम तक आपने जो 40 किलो घी मांगा है वो मैं तैयार करवाऊंगा। वो आदमी के जाने के बाद राधा राम बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि इसमें बहुत ज्यादा लाभ भी कमाएगा। फिर अपने नौकर को बुलाता है और कहता है कि शाम को 40 किलो घी बनाना है। सेठ जी, इतना ज्यादा घी बनाने के लिए जितना मक्खन लगता है उतना तो अब हमारे पास है नहीं। हमारे पास तो सिर्फ 20 किलो घी बन सकता है, तो अब क्या बगल वाले गांव से मंगवा लें? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि 20 किलो घी को 40 किलो कैसे बनाया जाए। तुम जाओ और बाहर दुकान संभालो। वो नौकर 20 किलो घी बनाकर अपने मालिक को दे देता है। राधा राम उस 20 किलो घी के अंदर 20 किलो डालडा और मिला देता है और शाम को उस आदमी के घर भेज देता है। आज तो मेरी नसीब बहुत अच्छी है, मुझे आज बहुत अच्छा फायदा मिला है। इस गांव में हर दिन किसी न किसी के घर में कोई न कोई दावत चलती तो कितना अच्छा होता। मेरा व्यापार बहुत ही धूम से चलता और मैं अपना 10वां घर जल्दी ही खरीद पाता। फिर दूसरे दिन वो आदमी के बेटे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। गांव के सारे लोग उस जन्मदिन पर हाजिर हुए थे। वो एक बहुत अमीर आदमी था, उसके सारे दोस्त वहां आए हुए थे, उन्हीं में राधा राम का बेटा भी मौजूद था। सारे लोगों ने खाना खाया और मिठाइयां भी खाई थी। फिर खुशी खुशी सब लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन दूसरे दिन बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई, खास करके छोटे बच्चे बीमार पड़ गए। उनमें जन्मदिन वाले बच्चे के साथ साथ राधा राम का बेटा भी था। डॉक्टरों ने कहा कि ये सब कल के खाए हुए खाने की खराबी में ही मौजूद है, क्योंकि ये समस्या खाने में मिलावट की चीजें इस्तेमाल करने से आई हुई है। जब ये बात
राधा राम को पता चली तो वो भागता हुआ अस्पताल आ गया। अपने बेटे को और बाकी सारे बच्चों को इस हालत में देखकर उसका दिल बैठ गया। उसके किए काम की वजह से इतने सारे मासूम बच्चों को बीमार देखकर बहुत दुखी हो गया और मन ही मन में पछताने लगा। फिर उसने ये इरादा कर लिया कि दोबारा कभी फायदे के लिए मिलावट नहीं करेगा। अपने किए पर राधा राम बहुत ही शर्मिंदा हुआ। देखा बच्चों, लालच कितनी बुरी चीज है। उसके थोड़े से फायदे के लिए सोचा था कि राधा राम के बेटे के भी जान पर पड़ाई। उसे तभी वो बात समझ आई जब उसने अपने बेटे को भी उसी परिस्थिति में देखा था। वो कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है, तो हमेशा इससे बच के रहना, ठीक है।